यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई हैं प्रियांशी मिश्रा आज का भौकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। देश की आजादी को 77 साल पूरे हो चुके हैं और इस दिन को सभी ने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से मनाया। कानपुर में भी अलग अलग हिस्सों में देश की आजादी का जश्न यानी 15 अगस्त से पहले मनाते हुए लोग देखे गए। स्कूल में बच्चों के साथ ही साथ सरकारी जितने भी ऑफिसेज थे वहां पर भी अच्छी खासी डेकोरेशन हमें देखने को मिली। तो आज हम बात करेंगे कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे के बारे में और उनके भौकाल के बारे में कि किस तरह पूरे जिले में मैडम ने अपना भौकाल टाइट करके रखा हुआ है। दरअसल वो अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। उनका रुतबा और रौब ऐसा ही है, उन्होंने ऐसा ही बना रखा है कि लोग उनके दबंग स्टाइल से डरते और कांपते हैं। देश के प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा लहराने की बात करते हैं और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को भी जगाते हैं और लोग देशभक्ति की भावना में डूबते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कानपुर में देश की आजादी के 77 साल को कुछ अनोखे तरीके से मनाया गया। देशभक्ति ऐसी कि मानो आजादी से पहले का दौर ही वापस आ गया हो, जोश तो देखते हुए बन रहा था। कानपुर में नगर निगम से निकली एक अनोखी तिरंगा रैली शहर में चर्चा का विषय बन गई। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी की नेता और शहर की मेयर प्रमिला पांडे कर रही थी। हाथों में तिरंगा, दिल में देश के लिए भक्ति और बुलडोजर की सवारी तिरंगा यात्रा को और अनोखा बनाती जा रही थी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि कैसे प्रमिला पांडे बुलडोजर पे चढ़ के तिरंगा फहरा रही हैं। देखा आपने कि कैसे कितने अनोखे तरीके से मेयर प्रमिला पांडे ने जिले में रैली निकाली और एकदम भौकाली अंदाज में वंदे मातरम कहते हुए नारे लगाए। मैडम मेयर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों को मैडम का ये भौकाली अंदाज भी बहुत पसंद आ रहा है। कानपुर में बीजेपी के नेता और कानपुर मेयर प्रमिला पांडे वैसे ही अपने अलग अलग अंदाज के लिए पहले से ही चर्चाओं में है। कभी सख्त लहजा तो कभी तीखे तेवर और इसी बीच बुलडोजर पर तिरंगा लहराने को लेकर भी जिले में उनका भौकाल दोबारा से टाइट हो गया है। इस अनोखी तिरंगा यात्रा में खास बात क्या है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें लोग बुलडोजर बाबा के नाम से भी संबोधित करते हैं क्योंकि बाबा के बुलडोजर ने गुंडों और माफियाओं की कमर तोड़ के रखी है, लेकिन बाबा के बुलडोजर का देश की आजादी और तिरंगा यात्रा में जो इस्तेमाल किया है प्रमिला पांडे ने, आहा, देख के एकदम मजा आ गया। इससे पहले भी मेयर मैडम का बहुत सा वीडियो वायरल हुआ है।
एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ था जिसमें वो इंजीनियर साहब की क्लास लगाते हुए नजर आए। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब मेयर मैडम जिले की साफ सफाई को लेकर लगातार बैठक कर रही थी। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रमिला पांडे, मेयर प्रमिला पांडे ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी काम में लापरवाही कर रहे हैं, बैठक करो तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं, इसीलिए इंजीनियर और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को आमने सामने बैठा कर खामियां कहां रह गई इस बात की जानकारी उन्होंने बैठक में ली, ताकि बरसात के पहले शहर में कहीं भी नाला ना भरे और शहर की सफाई होती। मेयर प्रमिला पांडे ने इंजीनियर से एकदम भौकाली अंदाज में कहा कि अगर इस बार नाले में पानी भरा तो तुमको उसी में डुबा कर मारेंगे। बैठक के दौरान मेयर मैडम काफी गुस्से में नजर आ रही थी क्योंकि उनके सामने झूठी रिपोर्ट पेश की गई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में गर्मी का सितम उस वक्त बहुत हावी था, मॉनसून का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ऐसे में कानपुर की मेयर मॉनसून सीजन की शुरुआत होने से पहले शहर के नालों की सफाई को लेकर नगर निगम मुख्यालय में इंजीनियरों के साथ बैठक करने लगी थी और इस दौरान इंजीनियर ने जब गलत रिपोर्ट पेश की उसको लेकर मेयर मैडम एकदम से भड़क गई और इंजीनियर की फाइल हवा में उछाल दी। अरे लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी मेयर मैडम सिर्फ गुस्से में रहती हैं हमेशा। उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो बच्चियों के साथ कबड्डी खेलती हुई नजर आईं। हालांकि ये वीडियो पिछले साल का यानी 2023 का है, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें मेयर मैडम कबड्डी खेल रही हैं बच्चों के साथ और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ा रही हैं। किदवई नगर स्थित एक मैदान में भाजपा किसान मोर्चा के दौरान नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। इस दौरान वहां पर जितने भी खिलाड़ी थे और जो अन्य लोग थे उन्होंने महापौर यानी मेयर मैडम से कहा कि वो भी कबड्डी खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए, जिसके बाद मेयर मैडम भी मैदान में आ गई और साड़ी पहनकर मेयर मैडम खिलाड़ियों के साथ दो दो हाथ आजमाने लगी। इस दौरान जूही इलाके की महिला पार्षद विद्या वर्मा ने भी मेयर को कबड्डी के मैदान में खेलता देख लोगों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। मेयर को कबड्डी खेलता देख लोगों ने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो ट्रेंड कर गया। अगर हमारे देश में ऐसी ही महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ गई तो देश का नजारा कुछ और ही होगा और इस तरह प्रदेश का भौकाल भी पूरे देश में टाइट हो जाएगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर से हाजिर होंगे एक भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल बी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।